नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल चौबे और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है द सोशल पोस्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्रॉड के बारे में जो आजकल ऑनलाइन हो रहा है। अमेजोन पे अगर पे आप अगर आपका बैलेंस है तो वो सिक्योर नहीं है। उसको सिक्योर करने के लिए ज़्यादातर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने की ज़रूरत है। अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो आपके साथ एक ऐसा फ्रॉड हो सकता है जो कि बहुत आसान है। जैसा कि मैं बताता हूँ, मेरे अकाउंट से 26 तारीख को, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 26 तारीख को सुबह 4:12 पे लगातार 6 ट्रांजेक्शन हुई, 1000-1000 की 4:12 पे लगातार, और 1000-1000 के 6 ट्रांजेक्शन करके बिग बाज़ार के कूपन्स ले लिए गए। और ये कूपन्स जो है किसी एक हैकर की ईमेल आईडी पे भेजा गया, क्योंकि वो ईमेल आईडी वहाँ पर मुझे अकाउंट में शो कर रही थी। जब मैंने उस ईमेल आईडी को गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि वो किसी हैकर की ईमेल आईडी है। तो फिर आप, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पैसे जो है टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजन द्वारा रिफंड हो गए थे। उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ऑर्डर पे जाना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि वो मेरा जो ऑर्डर था जहाँ पर ऐसा हैकिंग का काम हुआ था, वो अभी अमेजोन की तरफ से हटा दिया गया है किसी सिक्योरिटी रीजन से। लेकिन आप यहाँ पर अमेजोन कस्टमर सर्विस पे जाएंगे तो आपको ये टैब खुलेगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट चैटिंग और कॉल मी का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर अगर आप उनको कॉल करते हैं तो उनकी टीम 24 घंटे लेती है इसके बारे में जानने के लिए कि ये फ्रॉड सच में ऐसा हुआ है या फिर आपने रिडीम किया है। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप खुद रिडीम कर सकते हैं या आपके दोस्त जिनको पासवर्ड पता है वो भी अमेजोन पे को अपनी ईमेल आईडी पे या फिर किसी फेक ईमेल आईडी पे रिडीम कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि मैंने अपनी अमेजोन की आईडी किसी को नहीं दी थी, बट मेरे साथ गलती ये हुई कि मैंने उस पर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं किया था। तो जितने भी लोग अभी अमेजोन यूज कर रहे हैं या अमेजोन पे यूज कर रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसा कोई हैकिंग का काम नहीं हुआ है अभी तक, तो आपको यहाँ से लर्निंग लेने की ज़रूरत है और आपको अपने अकाउंट में जाना है, लॉगिन एंड सिक्योरिटी में जाना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन पे जाना है। और यहाँ पे आपको अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है, जिसमें आपको अपनी मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP जाएगा जिसको आप डालते ही साइन इन कर सकते हैं। और अगर आप एक डिवाइस से एक बार टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखे हुए हैं तो एक डिवाइस से आप जितनी बार भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन नए डिवाइस से जितनी बार आप जाएंगे आपको बार बार मैसेज आएगा, और जब तक आप उस मैसेज वाली OTP को अपने अकाउंट में नहीं डालेंगे तब तक अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। तो ये कुछ हालात थे अमेजोन पे के जो कि सिक्योर नहीं है। उन्होंने रीजंस मुझे कुछ नहीं बताए, लेकिन मेन रीज़न होता है जो हम वॉलेट यूज करते हैं जोमेटो पे, डंजो पे, या फिर फूड पांडा, या फिर किसी भी एप्लीकेशन पे अगर हम अमेजोन वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर पैसे जाने के रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को हम बहुत सारा एक्सेस देते हैं और वहाँ से कोई भी इजीली हमारे अकाउंट में लॉगिन कर सकता है हैकिंग के द्वारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।